नमस्कार, मैं हूं संजय वरोदिया। आप देख रहे हैं दोंदरा एक्सप्रेस न्यूज। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित। सागर में आज कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर सभागृह में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया जी ने विधानसभा क्षेत्र के सदर में कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण फैलाने की चिंता जताई और सदर के जिन हिस्सों में कोरोना संक्रमण फैला है उन्हें सबको अलग से कंटेनमेंट हिस्सा बनाए जाने, जिससे सदर क्षेत्र के अन्य सुरक्षित हिस्से में यह संक्रमण न फैल पाए और संक्रमण वाले हिस्से में निवास पर कर रहे लोगों का सैंपल लेकर टेस्ट कराया जाए। बैठक में शामिल पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष कैंट उपाध्यक्ष प्रभुदयाल पटेल जी ने भी विधायक जी के साथ इस बात का समर्थन किया। सदर एक घनी आबादी का क्षेत्र है, जिसमें लगभग 40,000 लोगों की आबादी निवास करती है। ऐसे में सभी एक साथ एक जोन में रखना गलत है। संक्रमित क्षेत्र को अलग कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। माननीय विधायक जी ने जिला प्रशासन से विधानसभा क्षेत्र के कुछ ग्रामीण इलाकों में अन्य जिले राज्यों से आए लोगों में कोरोना संक्रमण की शिकायत आई है, वहाँ के लोगों को भी अधिक से अधिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए, जिससे संक्रमण से बचा जा सके। बैठक में सागर सांसद माननीय राज बहादुर सिंह, पूर्व मंत्री विधायक भूपेंद्र सिंह जी, विधायक शैलेंद्र जैन जी, भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिलोठिया जी, कलेक्टर सागर SP सहित आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य गण उपस्थित रहे।